लाइया तोड़ निभाई असाइया लाइया तोड़ निभाई लाइया तोड़ लाइया तोड़ निभाई असाइया लाइया तोड़ निभाई लाइया तोड़ निभाई असाइया लाइया तोड़ निभाई असाइया लाइया तोड़ निभाई लाइया तोड़ निभाई असाइया लाइया तोड़ निभाई असाइया लाइया तोड़ निभाई लाइया तोड़ निभाई असाइया लाइया तोड़ निभाई असाइया लाइया तोड़ निभाई लाइया तोड़ निभाई असाइया लाइया तोड़ निभाई असाइया लाइया तोड़ निभाई लाइया तोड़ निभाई असाइया लाइया तोड़ निभाई असाइया लाइया तोड़ निभाई 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 असाइया लाइया तोड़ निभाई लाइया तोड़ निभाई असाइया लाइया लाइया तोड़ निभाई असाइया लाइया तोड़ निभाई लाइया तोड़ निभाई असाइया लाइया तोड़ निभाई असाइया लाइया तोड़ निभाई लाइया तोड़ निभाई असाइया लाइया तोड़ लाइया तोड़ निभाई असाइया लाइया तोड़ निभाई लाइया तोड़ निभाई असाइया लाइया तोड़ निभाई लाइया तोड़ निभाई असाइया लाइया तोड़ निभाई। प्रेम संदेश की चर्चा चल रही है सदक्ष। स्वामी जी महाराज ने तो आज मथुराला शोकी की चर्चा की है, कल चर्चा शुरू हुई थी प्रेम संदेश की। कल आप संदेश भेज रहे थे हे परमात्मा को अपनी असमर्थता का संदेश। स्वामी जी महाराज ने प्रेम संदेश भेजा है, अनेक प्रकार के संदेश, उदासी का संदेश, जिज्ञासा का संदेश, अनेक प्रकार के संदेश हैं सदृश में। पर लगता यूं ही है सबके सब संदेश प्रेम संदेश के अंतर्गत ही हैं। सब में प्रेम छिपा हुआ है, किसी न किसी मात्रा में, किसी में अधिक है, किसी में कम है। प्रेम बिना तो संदेश हो ही नहीं सकता। वह संदेश जो प्रेम से ओतप्रोत है, वह संदेश जो प्रेम पूर्वक भेजा जाए, परमात्मा उसी संदेश की ही कदर करता है। जिस संदेश में दिव्यता नहीं है, जिस संदेश में प्रेम नहीं है, ऐसे पत्रों को परमात्मा रद्दी की टोकरी में फेंक देता है, उन्हें पढ़ने तक की कोशिश भी नहीं करता। परमात्मा के साथ साधकों निष्कामता का नाता, प्रेम का नाता, भाव प्रधान नाता, हमारा नाता मात्र क्रिया प्रधान नहीं, हम कर्मकांडी नहीं हैं, हम भक्ति प्रधान साधक हैं। हमारी साधना प्रेम की साधना है, हम जो भी करते हैं प्रेम पूर्वक करते हैं, और प्रेम व्यापार नहीं होता। हमारा परमात्मा के साथ कुछ लेन देन नहीं है। परमात्मा हर प्रेमी को सिखाता है, देना ही देना सीखो, मुझे भी दो, मैं भी प्रेम का भूखा हूँ, मैं भी भाव का भूखा हूँ, मुझे भी आपके प्रेम की भूख है, आपके प्रेम की प्यास है, मैं इसके लिए प्यासा प्यासा फिरता हूँ, मैं इसके लिए भूखा भूखा फिरता हूँ। हर भक्त के पीछे श्रीमद् भागवत में कथन है साधु चरण, मैं हर प्रेमी भक्त के पीछे पीछे घूमता हूँ, उसके चरण लाज अपने सिर पर लगाता हूँ, ये परमात्मा कहते हैं, ताकि मेरा भीतर बार उसके चरण लाज से पवित्र हो जाए, ये परमात्मा का कथन है। एक प्रेमी भक्त का स्थान कितना उच्च है, एक भाव प्रधान भक्त का स्थान बहुत उच्च है परमात्मा की दृष्टि में। संसार को क्या करना,
संसार को तो कभी रिझाया नहीं जा सकता साधक जनों, और परमात्मा को रिझाना कोई कठिन बात नहीं है। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, आपके अंदर भावों की प्रधानता होनी चाहिए, तो परमात्मा आपकी मुट्ठियों में है। परमात्मा सदा आपके अंग संग सदा आपके सिर पर हाथ रखे हुए रहता है। आज साधक जनों, एक जिज्ञासु ने संदेश भेजा है, वास्तव में दो जिज्ञासु हैं, असली तो एक ही है। आज दो जिज्ञासु एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ तप तप रहा है, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा तपस्या कर रहा है। न जाने कितने वर्ष बीत गए हैं, सूख के कांटा हो गए हैं, न खाने पीने की सुध, न सोने की सुध, एक ही लगन लगी हुई है परमात्मा की प्राप्ति की। ये लगन इस धुन में अपनी साधना रत हैं दोनों साधक। इमली का पेड़ आपने देखा होगा, एक छोटी छोटी टहनी पर भी सैकड़ों पत्ते होते हैं, तो जहां हजारों टहनियां हों उनके पत्ते कितने होंगे कृपया कल्पना कीजिएगा। पीपल के पत्ते देखो कितने होते हैं कल्पना कीजिएगा, एक पीपल के पेड़ विशाल पीपल के पेड़ पर कितने पत्ते होते होंगे। इन दोनों पेड़ों के नीचे साधक साधना रत है, मस्त है अपनी अपनी साधना में, परमात्मा का गुणगान करते हैं, उपवास इत्यादि नहीं करते, लेकिन हो जाते हैं। वहां कभी खाने को मिलता है कभी खाने को नहीं मिलता, अपने आप हो जाते हैं, लेकिन मन से उपवास इत्यादि की कोई इच्छा नहीं है, तप करने की भी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन तप हो रहा है। परमात्मा हर ऐसी क्रिया को जहां उसे लगे कि ये मेरे लिए साधक कष्ट सहन कर रहा है, परमात्मा उसे तप मानता है। देखना तो ये है परमात्मा क्या मानता है, परमात्मा किस चीज को क्या लेता है, अपने कहने से या अपने करने से क्या होता है, परमात्मा उसको किस प्रकार से स्वीकार करता है। देखना तो यह है, परमात्मा की स्वीकृति मिल जाए, उसकी मोहर जब लग जाती है तो फिर किसी अंध की मोहर की आवश्यकता नहीं हुआ करती। आज संयोग की बात है, सदस्य देवऋषि नारद उधर से निकल रहे हैं, दोनों तपस्वियों को देखा वह प्रसन्न हुए। भक्ति के मार्ग के अनुयायी को देखकर देवऋषि नारद बहुत प्रसन्न होते हैं। देवऋषि नारद को भक्ति के आचार्य कहा जाता है। कहते हैं जब परमात्मा के किसी को दर्शन होते हैं तो देवऋषि नारद आके संदेश दे जाते हैं, तैयार रहो आ रहे हैं, भक्ति के आचार्य हैं। भक्ति के आचार्य थोड़े से ही हैं, देवऋषि नारद उनमें एक है, महान आचार्य। नारद भक्ति सूत्र उन्हीं का लिखा हुआ है, भक्ति पर सूत्र उनके लिखे हुए। दोनों ने प्रणाम किया है देवऋषि को, वैकुंठ जा रहे लगते हो देवऋषि? हाँ वैकुंठ जा रहा हूं, हरि के दर्शन करने के लिए उनको मिलने जा रहा हूं, काश हम भी साथ जा सकते। एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट करी है, इच्छा प्रकट करी है, उत्कंठा प्रकट करी है। कल भी साधक जनों आपसे अर्ज की थी, जितनी भारी आपकी तड़प होगी, तद्रूप कर्म होंगे, तद्रूप साधना होगी। मात्र तड़प उससे भी काम नहीं चलेगा, आप तड़प तो है अंतर लेकिन कुछ कर नहीं रहे तो उससे भी काम नहीं बनेगा, आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जितनी अधिक तड़प होगी तद्रूप कर्म होंगे, तद्रूप साधना होगी, तो लक्ष्य एक ना एक दिन आपको मिल के रहेगा, सफलता एक ना एक दिन आपके चरण चूमेगी। बस अब प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है और कुछ नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। अपनी तड़प बना के रखिएगा, अपनी साधना बना के रखिएगा और फिर प्रतीक्षा कीजिएगा, जैसे जिंदगी भर शबरी ने प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा ही शबरी की साधना सिद्ध हो गई।
उसके बाद शबरी ने कुछ नहीं किया। देव ऋषि वैकुंठ जा रहे हो, प्रभु से पूछना क्या हमें भी दर्शन कभी होंगे, क्या मेरा तेरा कभी मिलन हो सकेगा। दोनों जिज्ञासुओं ने एक ही जिज्ञासा प्रकट की है, जरूर देवऋषिनाथ कहते हैं जरूर पूछ के आऊंगा। देवऋषिनाथ को ऐसी बातें करने में बहुत आनंद आता है, वे जाते ही परमात्मा के पास बातें करने के लिए, उन्हें कुछ ना कुछ बताने के लिए, उन्हें कुछ ना कुछ पूछने के लिए, संसार कैसा है ये बताते रहते हैं, संसार में उन्हें कैसे और करना चाहिए ये उनसे पूछते रहते हैं। आपस का वार्तालाप भक्त और भगवान का इसी प्रकार का हुआ करता है। हेलो हाउ डू यू डू नहीं, संसारिक समस्याएं प्रस्तुत नहीं करते, अपने शरीर की समस्याएं ऐसा देवऋषिनाथ कभी नहीं कहते, इतना चलाते हो मुझे, इतना चलाते हो मैं थक जाता हूं, कभी मेरे लिए बैठने का भी कोई प्रबंध करो, ऐसी डिमांड कोई नहीं है। देवऋषि नारद उन्हें हृदय से भी अधिक प्रिय हैं, अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं। क्यों? वे हर वक्त परमात्मा के काम में, परमात्मा के परमेश्वर के काम में हर वक्त रत रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, नाम जपवाते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, नाम जपने की प्रेरणा औरों को देते रहते हैं। ये देवऋषि नारद का काम है, देखने मात्र से राम की याद आती है। देवऋषिनाथ ऐसे हो गए हैं, उनका नाम लो सोचो तो परमात्मा की याद आने लग जाती है। कितना बड़ा काम, अपने व्यक्तित्व का रूपांतरण उन्होंने किस प्रकार से कर लिया है कि मात्र देवऋषि का नाम आप सोचो तो परमात्मा की याद सिमरन शुरू हो जाता है। जरूर पूछ के आऊंगा, जाते ही चर्चा की है। प्रभु आते आते रास्ते में दो भक्त मिले हैं, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है, एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। दोनों ने पूछा है क्या मेरा और आपका कभी मिलन हो सकेगा। नहीं, भगवान श्री तत्काल कहते हैं नहीं। उनको बोलना जिस प्रकार की तपस्या वे तप कर रहे हैं, जिस प्रकार की भक्ति वे कर रहे हैं, भाव शून्य, भाव शून्य। जिस जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, जितने जितने उनके पत्ते हैं, उतने वर्षों के बाद मेरा और उनका मिलन हो सकेगा। देवऋषिनाथ के पांव की जमीन मानो हिल गई। पीपल के जितने पत्ते उतने वर्ष के बाद, इमली के जितने पत्ते उतने वर्षों के बाद, ये परमात्मा के श्रीमुख वाक्य, इनको कौन टकरा सकता है। जो इन्होंने कह दिया वह सत्य है। मैं क्या कहूंगा उनको जाके, क्या उत्तर दूंगा। आज देवऋषिनाथ ने और कोई चर्चा नहीं की, मुंह लटका के तो वैकुंठ से निकल पड़े। क्या कहें, परमात्मा को कोई कह सकता है ये प्रभु आपने क्या कर दिया, ये आपने क्या बोल दिया, प्लीज चेंज इट, ऐसा कहने की हिम्मत किस में। मुख लटका के देवऋषिनाथ लौट आए, पहले इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ साधु, प्रणाम देव ऋषि, मालिक ने क्या संदेश भेजा है हमारे लिए, क्या हमारी चर्चा चली। चर्चा तो चली, लेकिन संदेश देने में बहुत संकोच है भाई, मुझे माफ करना, मैं संदेश आपका तो दिया लेकिन परमात्मा का संदेश आपको दे नहीं सकता। क्यों देवऋषि, ऐसी क्या बात है, आप मेहरबानी करके संदेश दें। कहा, जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हो, जितने पत्ते उसके उतने वर्षों के बाद मेरा और उस भक्त का मिलन होगा। कच्चा भक्त था, अतैव निराश, कौन इतने वर्ष तक इंतजार करेगा। वह जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, जिसके लिए सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं, जिसके लिए इतना तप तपा, मानो उल्हाना देने वाला भक्त है, ऐसे भक्तों को कच्चे भक्त कहा जाता है, ऐसे भक्तों को परिपक्व भक्त नहीं कहा जाता। भक्ति में उल्हाना यही है, भक्ति में स्वीकृति ही स्वीकृति है। जो तूने मालिक दिया वह प्रसाद है, और प्रसाद के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
कुलाना नहीं है, शिकवा शिकायत नहीं है, बिल्कुल छोड़ दिया सब कुछ, आज के बाद भक्ति नहीं करूंगा। देवऋषिनाथ वहां से भी मूर्त का के निकल गए, एक्सपेक्टेड ही था, कौन इतने वर्ष इंतजार करेगा, भूखे प्यासे अकेले रहने की कोई जगह नहीं, पेड़ के नीचे दिन रात कोई दीपक इत्यादि नहीं, कोई कुछ नहीं, इतने वर्ष कौन इंतजार करेगा। मानो देवऋषि नारद भी इस बात से थोड़े सहमे हुए अगले साधक के पास गए, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है साधक, यही प्रश्न किया। देवऋषि नारद, प्रणाम प्रभु, क्या मेरी चर्चा हरि के दरबार में वैकुंठ में हुई थी? हां हुई थी। भक्त अति प्रसन्न है, शुक्र है मेरे राम, मेरे जैसे की चर्चा परमात्मा के दरबार में, अति आनंदित। क्या कहा आपने, क्या कहा परमात्मा ने, क्या कहा? सीता भी तो अपने मुख से यही सुनना चाहती थी, हनुमान क्या राम मुझे कभी याद करते हैं? राधा ने भगवान श्री कृष्ण के लिए संदेश भेजा, कहना तेरी राधा तेरे बिन सुख के इस प्रकार से कांटा हो गई है, इतने आंसू बहाए हैं तेरे बिना राधा ने कि यमुना का पानी दुगना हो गया है। एक बार अपने मुख से कह दो तुम ब्रज लौट के आओगे, एक बार अपने मुख से कह दो कि तुम राधा को कभी याद करते हो तो ये मुई राधा जिंदा हो जाएगी। मानो भक्त के मन में ये बड़ी भावना हुआ करती है, जैसे शिष्य के मन में भावना होती है गुरु हमें याद करता है कि नहीं करता, क्या हमारे लिए गुरु ने कुछ पूछा है कि नहीं पूछा। आज यही बात ये भक्त देवऋषिनाथ से पूछ रहे हैं। कहा भाई चर्चा तो हुई लेकिन जो भगवान ने कहा मैं बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकते? सहर्ष बताओ, भगवान का संदेश है, जो कुछ भी है मुझे श्रद्धारी है। कहा तो सुनो, कहा जितने इस पेड़ के पत्ते हैं इतने वर्षों के बाद मेरा और तेरा मिलन होगा। वाह राम, वाह राम, तेरे मुख से निकले शब्द मानो अक्षरशः सत्य होंगे। तूने दिन निश्चित कर दिया मेरे और अपने मिलन का। जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद तूने निश्चित कर दिया कि मेरा और तेरा मिलन होगा। हमें तो पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो दिन निश्चित कर दिया। इतनी खुशी में नाचा, इतनी खुशी में नाचा, अपना देह भाव सब कुछ भूल गया। इतना नाचा, इतना नाचा, देवऋषि नारद के से भी रहा ना गया, देवऋषि नारद ने भी साथ ही साथ नाचना शुरू कर दिया। दोनों नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम संकीर्तन गुणगान कर रहे हैं। क्या देखते हैं? भगवान श्री सामने खड़े हैं। देवऋषि नारद ने चरण पकड़े, आपने तो कहा था जितने पेड़ के पत्ते उतने वर्षों के बाद दर्शन देंगे, क्या हो क्या कि आप आज ही आ गए हो? भगवान ने तत्काल कहा, उस वक्त इसकी भक्ति भावना शून्य थी, इस वक्त इसकी भक्ति में भाव की इतनी प्रधानता है कि मेरे से रहा ना गया। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए सब जनों, अति शुभकामनाएं सबको, मंगल का।